हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बंगाली फैमिली इन यूएई, जहां मैं बात करती हूँ यूएई और ट्रैवल से रिलेटेड छोटी बड़ी खबरों की। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे इनसाइड द यूएई वीजा चेंज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, यानी कि कैंसिल वीजा से नया वीजा, विजिट वीजा टू वर्क वीजा, या फिर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में यानी कि ट्रांसफर वीजा, ये सारे वीजा का इस समय पे क्या अपडेट है जानने के लिए आप सबसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक के देखिएगा, ताकि पूरा अपडेट आप सबको पता चल सके। तो दोस्तों, ये भी एक वर्क वीजा का पार्ट है कि अगर आप इनसाइड द यूएई हैं, आपके पास कैंसिल्ड वीजा है, आपको नया वीजा लगाना है, विजिट वीजा टू वर्क वीजा करना है, या एक कंपनी से दूसरे कंपनी में आपको वीजा जो है वो ट्रांसफर करवाना है, तो क्या इसका अपडेट इस समय पे चल रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपका वीजा लगा हुआ है, यानी कि आपका वीजा ट्रांसफर वाला सीन है, एक कंपनी से दूसरे कंपनी में आपको वीजा ट्रांसफर करवाना है, तो ये ओपन है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। हर नेशनलिटी का हो रहा है, हर कैटेगरी का हो रहा है, ठीक है। तो ये वीजा ट्रांसफर आप इजीली करवा सकते हैं। अच्छा, वन एमिरेट्स टू अदर एमिरेट, यानी कि आप मान लीजिए दुबई का है, आप शारजा में करना चाहते हैं, तो ये भी पॉसिबल है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं विजिट वीजा टू वर्क वीजा। तो विजिट वीजा टू वर्क वीजा, अगर आप इंडिया के हैं आप और आप इस समय विजिट वीजा पर हैं, आपकी जॉब लग गई है, कोई से भी कैटेगरी के हैं, तो आपका जो वर्क वीजा है वो प्रोसेस हो जाएगा, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के हैं, बांग्लादेश के हैं, तो स्किल्ड में लेवल वन लेवल टू में आते हैं, तो इस समय पे वीजा प्रोसेस हो रहे हैं। बाकी स्किल्ड में भी लेवल थ्री में अगर आप आते हैं या फिर अनस्किल्ड कैटेगरी में आते हैं, तो आपका इस समय पे नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कैंसल्ड वीजा है आपका और आप अभी ग्रेस पीरियड में हैं और आपको नया वर्क वीजा लगवाना है, तो ये जो है इसमें क्या हो रहा है कि मैं बोलूंगी 90-10 का रेशियो है, यानी कि जो लोग भी अप्लाई कर रहे हैं कैंसल्ड वीजा से नया वीजा के लिए, इनसाइड द यूएई हैं, ऑलरेडी एक वीजा में थे वो कैंसल्ड है, अभी आप ग्रेस पीरियड में हैं और नया ऑफर लेटर आपको मिल गया है, वो कंपनी आपका वीजा अगर प्रोसेस करती है तो वीजा प्रोसेस हो रहे हैं, लेकिन उसमें रिजेक्शंस काफी ज्यादा है, स्पेशली अगर आप पाकिस्तान के हैं और बांग्लादेश के हैं, रिजेक्शंस आपको मिल सकती है, लेकिन वीजा जो है वो प्रोसेस हो रहे हैं कैंसिल टू न्यू वीजा के लिए। अच्छा, ये अपडेट जो है ये दुबई का है और अबू धाबी का है। अगर आप शारजा के वीजे के बारे में बात कर रहे हैं, तो शारजा के वीजे में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स इस समय पे चल रही हैं, अनस्किल्ड के तो किसी हाल में नहीं लग रहे हैं, चाहे आप किसी भी नेशनलिटी के हो, स्किल्ड के कुछ लेवल्स के आ रहे हैं वीजा, लेकिन रिजेक्ट भी बहुत ज्यादा हो रहे हैं शारजा वीजा का। तो गाइज, आई होप ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।